हमारे साथ तेज प्रताप जी हैं। तेज प्रताप जी, यहाँ जाने का भी रास्ता नहीं है, आप हसनपुर से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। सरकार से सवाल कीजिए, जो विधायक उनसे सवाल कीजिए आप कि आखिर क्यों नहीं बनी सड़क। यही सब स्थिति देख करके हम यहाँ पे आने का काम किए हैं। आप लोग बोलते हैं कि महुआ छोड़ दिए, महुआ छोड़ दिए, यहाँ विकास ही नहीं हुआ है। तो आप ये बताएं कि आपकी जो योजनाएं हैं, ये अब मैं सड़क देख पा रहा हूँ कि जहाँ जाना बहुत मुश्किल है, कैसे कैसे किस तरह की योजनाएं लेके आएंगे आप यहाँ? सड़क बनेगा पहले, सड़क सड़क बनेगा। आप इधर इधर तेज जी सड़क बनेगा ना, सड़क। अच्छा उसको दिखाइए। आप ये बताइए कि 10 लाख रोजगार की जो बात तेजस्वी जी ने कही है, उसमें ये भी शामिल होगा? सब होगा। उसको दिखाइए, सड़क दिखाइए। ये देखिए, ये सड़क है हसनपुर के बिथान गांव जाने के लिए। आप देख सकते हैं कि तेज प्रताप हमारे पीछे आ रहे हैं, गाड़ी पे है। ये सड़क देखिए कैसी है, जाना बहुत मुश्किल है इस गांव के अंदर। तेज प्रताप पीछे पीछे हैं गाड़ी के ऊपर। आप देखिए, तेज प्रताप वहां ऊपर बैठे हैं, कह रहे हैं कि यहां के विधायक ने विकास तेज प्रताप के ये देखिए ये सब क्या डाला हुआ है यहाँ। देखिए ये देखिए, तेज प्रताप आ रहे हैं गाड़ी पे और इनका आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ के विधायक ने कुछ काम नहीं किया और वो यहाँ पे काम करेंगे सड़क बनाने का। वाकई रोड बहुत खराब है ये बिथान गांव का आना बहुत डिफिकल्ट है। यही रोड है सुशासन बाबू का, नीतीश बाबू का, पलटू और चाचा का, यही रोड है। देखिए हसनपुर विधानसभा का अंतिम पंचायत है ये, और अंतिम बूथ पे जा रहे हैं, और इस पंचायत का स्थिति देख लीजिए। आज तक सुशासन बाबू के द्वारा इस पंचायत में कोई विकास नहीं हुआ है। तेज जी नीतीश जी कहते हैं कि सुशासन है, हमने अपने यहाँ बहुत काम किया है, है पूरा लोग है जनता का। देखिए तेज प्रताप अपने लोगों से मिल रहे हैं। तेज प्रताप कह रहे हैं कि अगर सुशासन बाबू ने काम किया होता तो ये सड़क ऐसी नहीं होती। आप देख सकते हैं तेज प्रताप के लिए यहाँ पे लोगों की भीड़ है। तेज जी यहाँ भी आप पॉपुलर है, लोग आपके पीछे आ रहे हैं आगे। यहाँ के लोग रोजगार चाहते हैं, विकास चाहते हैं, और 15 साल में कुछ नहीं हुआ यहाँ हसनपुर में, रोजगार नहीं मिलता। तेजस्वी सरकार ने आप क्या कह तो तेजस्वी सरकार बनना है, तेज प्रताप साफ साफ कह रहे हैं। तेज प्रताप जी आगे जा रहे हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में। वाकई काफ़ी डिफिकल्ट रास्ता था इस गांव में जाने का। वो कह रहे हैं कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार अगली बार बनेगी, सुशासन चाचा ने कुछ भी काम यहाँ नहीं किया है। यहाँ सड़क तो अच्छी हो गई है, लेकिन वो जगह वाकई बहुत ही ख़राब है। यहाँ से अभी जो विधायक हैं राजकुमार राय इस बार फिर से खड़े हैं। लोगों ने कहा कि सुशासन के कार्यकाल में अच्छा काम नहीं हुआ है। एनीवे 10 नवंबर को जो है रिजल्ट आएगा, तो असली बात पता चलेगी कि जनता किसे जिताती है, जनता जनार्दन होती है।